देश से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल और रोजाना की अपडेट्स के लिए प्रेस करिए बेल आइकन। बम गिरा, आतंकी मरे, लेकिन खबर हुई केवल बीजेपी को, सोशल मीडिया वॉरियर्स को और राष्ट्रवादी चैनलों को। अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की माने तो अल जजीरा और रॉयटर्स के मुताबिक भारत के द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक से जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जिस इमारत को आतंकी शिविर बताया जा रहा था उसे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च लैब के अनुसार और ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल साइबर पॉलिसी सेंटर के मुताबिक भी किसी भी तरह का नुकसान जान माल का दर्ज नहीं किया गया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, तमाम दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी चैनल्स चिंघारे मार मार कर कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक के जरिए 300 से 400 आतंकियों को मार गिराया गया है। अगर इस दावे में हकीकत है, सच्चाई है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात को नकार रहे हैं उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे देश की छवि खराब कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि एयर स्ट्राइक के जरिए भारी तबाही हुई, ध्वस्त कर दिया गया है आतंकी शिविर नहीं बल्कि तमाम वे मुद्दे जो सरकार को घुटने पर ला चुके थे, तमाम वे सवाल जिनके जवाब सरकार के पास नहीं थे। जैसे पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, किस स्तर पर उसमें चूक हुई, जैसे बेरोजगारी अपने 40 सालों के सर्वोच्च स्तर तक कैसे पहुंच गई, आखिर क्यों सरकार बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही, आखिर क्यों पांचवें साल में जो बजट पेश किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, अंतरिम बजट, उसमें पूरे कार्यकाल के दौरान इग्नोर रहे फार्मर्स के सेक्शन को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की बात की गई, आखिर क्यों पांचवें साल में सीमा पार जो कार्रवाई हुई उसे युद्ध की तरह प्रचारित किया गया। सवाल काफी है लेकिन इनके जवाब नहीं दिए जा रहे और ना ही ये सवाल पूछने दिया जा रहा है। अगर कोई भी ये सवाल उठाता है तो उसे मिलता है देशद्रोही होने का तमगा, फिर चाहे वो आम लोग हो, सैनिक के परिजन हो या फिर पूर्व सैनिक। ये सब क्यों किया जा रहा है ये समझा जा सकता है येदुरप्पा जी के एक बयान से। उन्होंने कहा था कि इस एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय जनता पार्टी 28 में से 22 लोकसभा सीट जीत जाएगी। उनके इस इशारे को और पुख्ता करते हैं नरेंद्र मोदी जब वो बयान देते हैं कि अभी तो केवल पायलट प्रोजेक्ट हुआ है, यानी कि सेना की कार्रवाई को युद्ध की तरीके से प्रचारित करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रवादी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया वॉरियर्स ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जहां कोई भी व्यक्ति इस तरह के सवाल को उठा ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था कि पांचवें साल में राजनीति करेंगे, तो क्या ये वही राजनीतिक ब्रह्मास्त्र है जिसका जिक्र इशारों में प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त कर रहे थे? क्या ये वही राजनीतिक ब्रह्मास्त्र है जिसके जरिए बेरोजगारों, महिलाओं, वंचितों और शोषितों के तमाम मुद्दों और तमाम सवालों को दबा दिया जाएगा? क्या ये वही राजनीतिक ब्रह्मास्त्र है जो आगामी लोकसभा चुनावों से एक बार पुनः मुद्दों को गौण कर देगा और दलगत राजनीति के षड्यंत्रों को फलने फूलने देगा? आप देखते रहिए मॉलिटिक्स इंडिया, सजग रहिए, सतर्क रहिए। शुक्रिया।